दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ये एक नई कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का नाम है शहर और देहात। ये जो कविता है, एक बार मैं अपने गांव गया था तो गांव में दो बच्चे थे, दो दोस्त थे। एक जो दूसरा बच्चा था वो शायद उसका कोई संबंधी था, रिलेटिव था गांव में रहने वाले बच्चे का। तो जो दोनों गांव में रहने वाले बच्चे हैं वो खेल रहे थे आपस में। खेल खेल में उन दोनों बच्चों में धीरे धीरे बहस जैसी होने लगी। जो गांव का लड़का है वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बेहतर हूँ क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, यहाँ पे मुझे खेलने की जगह की कोई कमी नहीं है, जब इच्छा होती है मैं खेलता हूँ, जहाँ इच्छा होती है चला जाता हूँ, मेरी स्कूल से छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, मैं जब छुट्टी होती है घर पे आ जाता हूँ, दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ खेलने चला जाता हूँ, मेरे ऊपर पाबंदी नहीं है, मैं पेड़ों पर चढ़ जाता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी बात का उत्तर देने के लिए जो शहर में रहने वाला लड़का था वो बता रहा था कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं मॉल में चला जाता हूँ, मैं फिल्म देखता हूँ, मैं वीडियो गेम खेलता हूँ, मैं बहुत जगह जाता हूँ, नहाने के लिए स्विमिंग पूल है वहाँ जाके नहाता हूँ, मेरे स्कूल में भी बहुत सारे टूर होते हैं तो मैं जाता हूँ तो वहाँ खेलता हूँ। तो इस तरह से मैं अपने शहर में बहुत खुश हूँ। तो होता क्या है, ये बातचीत तो दोनों बच्चों में चल रही थी, दोनों बच्चे आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे, मैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया और खड़ा होके मैं उन दोनों बच्चों की बात सुन रहा था। बात सुनते सुनते मेरे जहन में ये कविता आने लगी। ये इस कविता की शुरुआत तो उन दोनों बच्चों के वार्तालाप से हुई थी, लेकिन बाद में ये जो कविता है, मैंने शहरों और देहात के बीच के लोगों में जो द्वंद्व होता है उसको मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि शहर के लोग होते हैं वो काम से बहुत त्रस्त रहते हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, समय उन्हें नहीं मिलता, वो व्यस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने परिवार को देने के लिए भी समय नहीं मिलता, यहाँ पे उनकी सोशल लाइफ भी बहुत कम होती है, मित्र बंधु कम होते हैं, दोस्त यार कम होते हैं, केवल काम करते रहते हैं, इसलिए बार बार उनकी इच्छा होती है और सोचते भी हैं कि गाँवों के लोग होते हैं वो बेहतर जीवन जी रहे हैं, वो उन्हें गांव जाने की बार बार इच्छा होती है। तो दूसरी ओर जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनके मन में भी इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जो गांव के लोग होते हैं उनके पास पैसे का अभाव होता है, समय हाँ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्यार से रहते हैं, आपस के जो भी लोग होते हैं बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण बार बार उन्हें शहर जाने की इच्छा होती है। तो मैंने ये जो कविता लिखी है इसी गांव और देहात के बीच रहने वाले लोगों के बीच जो द्वंद्व होता है उसी द्वंद्व को हाईलाइट करते हुए मैंने ये कविता लिखी है, और कविता का शीर्षक मैंने रखा हुआ है शहर और देहात। तो ये जो कविता है, इस कविता में एक देहात का आदमी है वो शहर में रहने वाले आदमी से बातचीत करता है और बातचीत करके ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि तुझ में और मुझ में तो अंतर है नहीं, किस चीज़ का अंतर है तुम बताओ। तो इस तरह से जो शहर, जो देहात का आदमी है, देहात का इंसान है, शहर में रहने वाले इंसान से ये पूछ के उसके भीतर की जो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है
उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में शहर और देहात के बीच के लोगों में कोई खास अंतर नहीं होता है। मौलिक तरीके से दोनों को दोनों बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी कविता शहर और देहात प्रस्तुत है, मैं शुरू कर रहा हूँ। जो देहात का आदमी है वो पूछ रहा है, ले आए डिग्री बहुत तुम पढ़ लिख कर, ले आए डिग्री बहुत तुम पढ़ लिख कर, हम गाँव में पलते रहे निरा अनपढ़, बने कहाँ इंसान कोई हमसे बेहतर, है कोई हम में तुम में मौलिक अंतर। ये पूछ रहा, हम झगड़ा करते मकई और मचानों पे, और तुम्हारी फ्रिज टीवी सामानों पे, हम लड़ते आपस में सुलझाते, तुम एग्रीमेंट करते मेडिएशन अपनाते, हमारे बदन पे कपड़े नहीं कि पैसे कम हैं, हमारे बदन पे कपड़े नहीं कि पैसे कम हैं, और तुम खरीदते कपड़े वही कि दिखे बदन है। देखिए कैसा कंट्रास्ट है, हमारी भूख हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, और तुम्हें भूख नहीं लगने की चिंता जारी है। जैसे कि शहर में होता है कि बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, मेंटल डिजीज हो जाता है, भूख नहीं लगती, तो यही गांव का आदमी बोलता है, हमारी भूख, और गांव के लोग भूख से परेशान रहते हैं, पैसे कम होते खा नहीं पाते हैं, जबकि शहरों में भूख नहीं लगने की बीमारी होती है। तो देहात का आदमी बोल रहा है, हमारी भूख हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, तुम्हें भूख नहीं लगने की चिंता जारी है, हम काम बहुत करते कि नींद बहुत सताती है, आराम बहुत करते तुम नींद कहाँ फिराती है। जो शहर का आदमी है वो आराम ज़्यादा करते हैं, सिडेटिक लाइफ है, तो उन्हें नींद नहीं आती है। हम काम बहुत करते कि नींद बहुत सताती है, आराम बहुत करते तुम फिर नींद कहाँ आती है, गाँव में पानी से परेशान और बाढ़ बहुत भी आती है, शहर में एक बूंद भी सुना है पानी की बहुत सताती है, आई लव यू कहने से प्यार तुम्हारा बढ़ नहीं जाता, और हमारा प्यार तो जाने बस नैनों की भाषा, उम्र हमारी खपती सारी एक मकान बनाने में, और तुम्हारी अनगिनत सजाकर गार्ड सजाने में, गार्ड बचाने में। यहाँ पे है कि गांव में का आदमी एक घर भी नहीं बना पाता, और शहर के लोग घर तो बना लेते हैं, आदमी कम होते हैं तो गार्ड को लगा लगा के, चौकीदारों को लगा के खुद को बचाते हैं। उन हमारी खपती सारी एक मकान बनाने में, और तुम्हारी अनगिनत सजाकर गार्ड बचाने में, गुस्से की बात कहते हम गाली देकर, और तुम झुंझलाते जो कुछ भी अंग्रेजी में कहकर। और दोस्तों बिल्कुल अंत में है, अंतरिम यात्रा में तुम्हें भी कंधों का मिलता साथ, और मरते हम भी होती विदाई अपनों के साथ। तो दोस्तों इस तरह से ये जो कविता है मेरी शहर और देहात यहीं पे ख़त्म होती है। और मित्रों, आप लोगों ने मेरी इस कविता को सुना, इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।